ज्यादातर इस्लामाबाद में रहते हैं, लेकिन भारत जी इस्लामाबाद में भी रहना चाहिए, लेकिन हल्का क्या आवाम अगर कह रहे हैं तो उनकी राय का भी एहतराम करते हैं। एक और साहब से बात करते हैं। सलाम अलैकुम। क्या नाम है आपका? स्पेन खान। स्पेन खान साहब, क्या वोट डालते हैं जी? हम तो खुद इंशाल्लाह इलेक्शन वोट डालते हैं। डालते हैं। 2013 में किसको वोट डाला था? शेर को। शेर को? बल्ले को नहीं डाला? नहीं। क्यों? बस इधर तो हमारे स्वाद का जितना 4.5 साल हो गया, आप जो नजर प्यारे ये सारे लोगों से पूछे नहीं तो मुराद सईद हमारा कम खादी कर रहा है, नहीं नजर आता है हॉस्पिटल के, देखो ये रोडों को देखो, ये तो मेरे भाई जो मेरे साथ खड़े हुए थे ये तो कहते हैं कि मुराद सईद घूमते रहता है यहाँ पे और काम बहुत हो रहा है। तो झूठ बोल रहा है ना, ये मेरे सामने झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। खुदा की मुराद सईद किसने देखा है? ये सारे लोग मौजूद है, किसने देखा है? किसने देखा है? तो मैं तो बात पे बात करूंगा तो मुझे हंसना भी आता है। मुराद सईद तो पंजाब का सियासत कर रहा है। तो वोट तो यहाँ से लिया इस इलाके से तो मुंतखब हुआ है, लेकिन बदकिस्मती से ये लोगों बेचारों ने वोट दिया बल मैंडेट से। लेकिन वो तो पंजाब की सियासत कर रहा है। तो मुझे बताएं कि आप 2018 में किसको वोट देंगे? इंशाल्लाह तो सोचूंगा, इंशाल्लाह तो पीटीआई को तो नहीं दूंगा। पीटीआई को नहीं देंगे? नहीं, खान शेर को दूंगा, शेर को दूंगा और खुद भी लड़ूंगा। अच्छा, खुद भी लड़े? खुद भी लड़ूंगा इंशाल्लाह, 4 हल्कों से लड़ूंगा। तो मुझे यहाँ बताएं, यहाँ पे तरक्याती काम, सफाई सुथराई, सड़कें, पानी, गैस, इससे मुतमईन है कारकर्दगी से मुतमईन है? सब बकवास है, सब बकवास है, कोई काम नहीं हो रहा है स्वाद में, कोई काम नहीं हो रहा है। जाओ हॉस्पिटल में जाओ, एक बेड में 4-4 मरीज पड़े हुए हैं। ये मैंने खुद देखे है, मैं विजिट करता हूँ हॉस्पिटल को, हर रोड का। तुम विजिट करो अस्पताल को, स्कूलों का। जैसा मैं, नया पाकिस्तान बना और तब्दीली आई केपी में? तब्दीली आई है, लेकिन एमएलए एमपी अपने देरों को सजा के और अपने जेब को भरा के और अपने अपने रिश्तेदारों को जाप देके हुए, कभी गरीब को जाप देखा हुआ है मैंने? कभी नहीं सुना है, कभी नहीं सुना। चले जी, ये एक और साहब यहाँ पे मुझे बताया जा रहा है कि यहाँ पे इनसे बात चले, यहाँ बात करते जरा सा। ये इन्होंने बात की, अस्सलाम वालेकुम जी, वोट डालते हैं? 2013 में तो पीटीआई यहाँ से बिल्कुल जीत गई, नेशनल असेंबली से भी, सूबाई असेंबली से भी। ये वजह ये था कि हम पठान जज्बाती लोग हैं, पहले बार जाली खान जो बात आ रहा था इसकी वजह से हमने इनको वोट। इमरान खान क्या वो भी खान है? आप उनके क्या कोई शक है उन? नहीं, इन पर शक तो नहीं, वो तो खान नहीं, खान झूठ नहीं बोलेगा, वो झूठ पर झूठ ही बोल रहे हैं सब। आप देख रहे हैं टीवी पर आकर झूठ ही झूठ कह लो, उनके पास क्या है? सवाल को क्या दिया? सड़कों को देख लो, स्कूलों को देख लो, अस्पतालों को देख लो। जो एमटीएस में इन्होंने लोगों को लूटना शुरू किया, वो एक हजार एक फराम पर ले रहे हैं। आप देखा है, आप खुद ही खान नाम को क्या दिया है? ठीक है, आप यहाँ की तरफ, यहाँ के काम से पीटीआई की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है? बिल्कुल नहीं है, मुराद सईद सालों तक नजर नहीं आ रहे, वो असेंबली में भी नहीं जाते, बस टीवी टॉक शो पर बात कर रहे हैं, और कुछ इन्होंने किए नहीं है। चले, ये एक और है, मैं यहाँ पे मौके की मुलाजमत से मेरे साथ यहाँ पे स्वाद के जो हमारे करेस्पॉन्डेंट है हारून सराज साहब, जरा उनसे भी एक छोटा सा वर्डिंग जरा ले लूं कि वो स्वाद के हवाले से क्या देख रहे हैं, क्या आवाम में जो जज्बात हैं क्या वही जज्बात हैं या मामला उसके बरक्स है। हारून साहब बहुत शुक्रिया आपका जी, थैंक यू। ये मुझे बताएं कि आप स्वाद में रहते हैं, यहीं पे हमारे करेस्पॉन्डेंट हैं नियो टेलीविजन के, क्या देख रहे हैं, क्या जो आवाम जिस चीज की शिकायत कर रहे हैं कि पीटीआई अपनी कारकर्दगी नहीं दिखा सकी, नया पाकिस्तान बनाने में कामयाब नहीं हो सकी, क्या ऐसी ही बात है या बाकी नया पाकिस्तान बन गया स्वाद में? फरीद साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इस सवाद के आवाम की तासुरात जानने के लिए सवाद का विजिट किया। फरीद साहब, जब हम आप सब अपने ऑफिस में बैठते हैं तो सवाद के जो मकामी लोग हैं वो आते हैं हमारे दफ्तर में और हमें बहुत ज्यादा फरियाद और उनकी बहुत ज्यादा जो है वो सख्त अल्फाज में जो है पीटीआई के वर्कर्स को और एमपीएस एमएनएस को याद किया जाता है। हमारे जो एमएनए हैं, दो एमएनए हमें जब उनकी याद आ जाती है बहुत ज्यादा तो हम उनकी तस्वीर निकाल कर उनको देख लेते हैं। हारून साहब, आप अच्छा आप इधर आए जी, कौन झूठ बोल रहा है? ये झूठ बोलते हैं सर, ये झूठ बोलते है। मुराद सईद को एक आदमी है तो वो सर क्लासक में है। कौन? मैं वो 4-4.5 साल हुआ है, हमारे चिल्ले बच्चों का रोजी चिल्ले पेटी पेटाई, कोई अहमियत नहीं है इधर। ये तो मेरे भाई कह रहे हैं कि पीटीआई ने भले काम कराए, मुराद सईद से मुतमईन है। मैंने खुद डाल दिया है वोट सारा। 2013 में किसको वोट दिया था आपने? पीटीआई में। अब किस समय किसको? ये तो सारा चोर है, सारा काम छोर है, सारा बेजबान है, सारा मुनाफिक है, ऊट नहीं देगा। और हमारा सर, और ये जो बोलते हैं वो भतीजे नाराज नहीं होते हैं? हाँ हाँ, बेटे वाला हमारा हमारा बच्चा है, वो बड़ा बच्चा, वो नैब सदर है, नैब सदर है बेटे का। और हमारा साथ बोले रुपया दे दो, मैं
بیٹے کو مہمان آتے ہیں روٹی کھاتے ہیں اس کا. اچھا ہاں چلے پڑھ کو لے کا نا چلے آپ نے کہا مستفی کو. ایک اور ہے چھوٹی سی ایک گفتگو ان سے کرتے ہیں اس انصاف سے ذرا چھوٹی سی بات کرتے ہیں ذرا سا ووٹ دیتے. میرا نام اجاز احمد ہے میں ووٹ ڈالتے 2013 میں کسے ووٹ دیا تھا 2013 میں ووٹ ڈالا تھا پی ٹی آئی کو اور آپ کو کیوں پی ٹی آئی کو کیوں نہیں پی ٹی آئی خالی باتیں کر رہے ہیں کام ہی کر رہے ہیں کام کوئی بھی نہیں کر رہا بس خالی باتیں کر رہے ہیں باتیں ہو رہی ہے ادھر فضل حکیم ہے اس کو تبدیلی آئی ہے تبدیلی کچھ بھی نہیں ہے. مراد سعید کو دیکھا ہے آپ نے مراد سعید کو نہیں دیکھا میں نے جی.